जिला अस्पताल का निरीक्षण करने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु व परिवार कल्याण राज्य मंत्री अतुल गर्ग आए थे। फर्रुखाबाद से लखनऊ वापस होते वक्त मंत्री का निरीक्षण कार्यक्रम आया था। तय वक्त पर मंत्री अतुल गर्ग जिला अस्पताल भी पहुंच गए, लेकिन उनके साथ भाजपा नेताओं की पूरी फौज भी मौजूद थी। अधिकारियों ने एक आध बार भीड़ को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया, लेकिन सत्ता की हनक में भाजपाइयों ने अधिकारियों की बात को अनसुना कर दिया। मंत्री भी समर्थक भाजपा नेताओं को मना नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, आम आदमी को बिना थर्मल स्क्रीनिंग के अंदर ने घुसने देने वाला जिला प्रशासन किसी भी भाजपा नेता की स्कैनिंग करने की हिम्मत न जुटा सका। ये सब देख निरीक्षण बीच में ही छोड़ डीएम एसपी चुपचाप अस्पताल से बाहर निकल लिए। वहीं निरीक्षण में मंत्री को जिला अस्पताल में सब कुछ दुरुस्त नजर आया। सावधानी बरती और देश की जनता ने भी उनकी अपील पर पूरा सहयोग किया। उस नाते से अत्यधिक घनत्व वाले भारत के अंदर 130 करोड़ की आबादी में हमारी स्थिति अभी भी नियंत्रण में है और बहुत अच्छी स्थिति में हम। सर, जिस तरीके से सरकार ने जी सर धन्यवाद तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों का आदेश दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश का चक्कर लगा के आना है और ये देखना है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं कोविड के अलावा वो सुचारू रूप से काम कर रही है नहीं कर रही है, उन्हें देखने के लिए मैं यहाँ स्वयं आया। सर, कन्नौज में क्या देखने को मिला? हमने देखने को ये मिला कि यहाँ पर आज 65 से ज़्यादा तो एक्सीडेंट 65 छः से ज़्यादा सीटी स्कैन है। यहाँ पर मैं माताओं बहनों बच्चों से मिला जिनकी संख्या 25 से ज़्यादा होगी, उन सब ने ये कहा कि भोजन की कोई समस्या नहीं, चादरें रोज बदली जाती हैं, इलाज की कोई समस्या नहीं। मैं जो ऑपरेशन वार्ड में मिला जहाँ पर केसेस होते हैं ऑपरेशन के, उसके अंदर घायल बाप बेटी से मिला, उनका इलाज तुरंत हो रहा था। ऐसे लोगों से मिला कि जिनके पैर में बहुत चोट थी वो 3 दिन से यहाँ है, 4 दिन से यहाँ, उनका इलाज हो रहा था। तो किसी भी मरीज ने, किसी भी रोगी ने एक भी बुराई किसी ने नहीं, और मेरे ख्याल से आप लोग भी साथ आप मैं भी सुनाओ। सर, जिस प्रकार सरकार के आदेश के द्वारा प्रवासी लोग आ रहे हैं, लगातार संक्रमण की संख्या भी बढ़ रही है तेजी से, तो इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए गए? जितने उपाय संभव हैं उतने किए जाए। अगर कहीं कोई लापरवाही हो रही है तो इसके अंदर न केवल सरकार बल्कि जनता के जितने भी हमारे सहयोगी हैं, प्रतिनिधि हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, और सबसे अच्छा रोल मीडिया का है कि हर रोज़ मीडिया भी इस बात का अपना उद्यत करती है कि लोग सतर्क रहें, और लोग सतर्क हो गए हैं। ऐसा नहीं, सर, कहीं ना कहीं 2 दिन लगता है रिपोर्ट आने में, अगर इसको थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट कराया जाए, 1 दिन में रिपोर्ट आए तो कहीं ना कहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ इस उत्तर प्रदेश के अंदर पहले केवल 1 लैबोरेटरी थी जिसके अंदर मुश्किल से 50 से 60-70 टेस्ट पर डे होते। 1.5 महीने के अंदर अंदर योगी सरकार में 15,000 टेस्ट पर डे होने लगे। 30 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के अंदर या 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी तेज़ी से जिस समस्या का पहले पता ही नहीं था, तो यही अकेली एक सरकार ऐसी है कि जो इस स्तर पर भी काम कर रही है। आपकी चिंता अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकारी प्रयास उम्मीदों से ज़्यादा अच्छे हैं, और अपनी शक्ति के साथ में मुख्यमंत्री रोज़ 2.5 घंटा रोज़ मीटिंग सवेरे सवेरे टीम 11 के साथ करते हैं। मेरे को भी 1 महीना उस मीटिंग में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ, मैंने भी देखा, रात दिन पूरी सरकार इस काम में लगी हुई है। आपके सामने यहाँ जिलाधीश महोदय भी बैठे हुए हैं, CMO भी बैठे हुए हैं, CMS भी बैठे हुए हैं, कोई आदमी चैन से नहीं है। अभी आप रास्ते में आएंगे तो कम से कम 25 लोग वहाँ लाइन में लग के बैठे थे डिस्टेंसिंग के साथ। जो TrueNet मशीन है वो भी आ गई है। तो CMS मैंने महोदय से पूछा कि आप कितने टेस्ट रोज करेंगे, तो उनका जवाब था 24 रोज।
मैंने कहा भाई इसमें तो कुल 40 मिनट में एक टेस्ट हो पाता है। तो उन्होंने कहा CMS महोदय ने कि आप चिंता ना करें, मैं ये मशीन 24 घंटे चलाऊँ। इस जज्बे के साथ डॉक्टर काम, इन सबको आपके आशीर्वाद की शुभकामना भी। सर, पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने एक ट्विटर पर लिखा।